Hey, hello everyone, welcome back to my channel, lovely lady. And sorry for my such voice because I'm not well and I'm suffering from cold, but video banana bahut zyada important tha. So aaj main video bana rahi hu. Ye thoda sa different type of video hai aur ये एक्चुअली मैंने स्ट्रीक्स का हाइलाइटिंग किट मंगाया है, उसके ऊपर आज का वीडियो है. तो इसका हम ओम्ब्रे इफेक्ट्स जो होता है हेयर्स पे, ये वाइब्रेंट रेड कलर में मंगाया है मैंने और ये अमेजन से मंगाया है फॉर द प्राइस 160 रुपीस. और इसमें यू नो डिसेंट क्वांटिटी आती है कि आप आराम से इसको अपने बालों में इससे हाईलाइट कर सको या ओम्ब्रे कर सको. यहाँ पे सारे स्टेप्स दिए हुए हैं हाउ टू यूज़ दैट द किट और किस तरीके से आपको लगाना है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो. और यहाँ पे कॉशंस एंड प्रिकॉशंस वगैरह दे रखे हैं. अंदर एक लीफलेट भी है जिसमें कि सारे जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही क्लियरली मैंशनड है और बहुत ही अच्छे से उसमें समझाया है. सो ये सारे प्रोडक्ट्स इसमें निकले हैं. ओके, सो फर्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं. तो ये वेरी फर्स्ट स्टेप जो है, इसमें दो चीज़ें आई हैं, ब्लॉन्डर पाउडर एंड डेवलपर, और साथ में ये ब्रश आया है. दिस इज़ समथिंग यू नो जिससे हाइलाइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, हमारे बालों को अच्छे से यू नो स्ट्रिप्स जो हैं बालों की उनको कैच करेगा. और इस टाइप का एक लीफलेट आया है स्टेप वन में. एंड स्टेप टू में आया है डेवलपर एंड कलरेंट क्रीम, जो ओरिजिनल जो वाइब्रेंट रेड कलर हमने मंगाया है उसका ही कलरेंट क्रीम आया है सेकेंड उसमें प्रोसेस में. तो ये दो बार दो स्टेप्स में हमें कंप्लीट करना पड़ेगा. सी, दिस इज़ द डेवलपर एंड दिस इज़ द कलरेंट क्रीम. और इसी के साथ में एक ब्रश भी आया है एंड ये कंडीशनर है, 4 सैशे कंडीशनर के हैं, स्ट्रिक्स का ही कंडीशनर है. और ये ब्रश आया है इसके साथ में. एंड दीज आर द ग्लव्स, 1 pair ग्लव्स के भी आए हैं. जब भी आप कलर करते हैं हेयर्स को या यू नो जो भी आप करते हैं, आई मीन हाईलाइट करते हैं, ओम्ब्रे कर रहे हैं, कुछ भी अगर आप केमिकल से यू नो डील कर रहे हैं, तो डोंट फॉरगेट टू वेयर द ग्लव्स. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. हम फर्स्ट स्टेप में हम लेते हैं डेवलपर एंड ब्लॉन्डर पाउडर. तो उसके लिए आपको कोई भी पुराना सा बाउल ले लीजिए. बाउल या तो ग्लास का होना चाहिए या प्लास्टिक का, किसी भी मेटल का नहीं होना चाहिए. सो इसमें हम अपना पूरा डेवलपर क्रीम डाल लिया है एंड उसके बाद हम हमारा ब्लॉन्डर पाउडर मिक्स कर देंगे इसमें. और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, बिल्कुल एक यू नो फाइन पेस्ट बना लेना है इसका. सो ये हमारा मिक्स हो चुका है और इतने इस टाइप का कंसिस्टेंसी आएगा. अभी आप अपने बालों को सेक्शन वाइज डिवाइड कर लीजिए, आपको जहाँ भी जैसा भी करना है. तो मैं यहाँ पे ओम्ब्रे इफेक्ट देने वाली हूँ हेयर्स को. सो मैंने हाफ हेयर्स का अपडू कर दिया है और नीचे के जो हाफ हेयर्स हैं उनमें मैं ओम्ब्रे इफेक्ट देने वाली हूँ. तो अच्छे से कॉम कर लीजिए, कोई भी बाल आपके उलझने नहीं चाहिए. फिर इसके बाद आप छोटा छोटा जितना भी आप लेना चाहते हैं स्ट्रिप्स लेते जाइए हेयर्स के. और क्योंकि मैं यहाँ पे ओम्ब्रे इफेक्ट देने वाली हूँ, इसलिए सिर्फ मैं नीचे के पोर्शन में थोड़ा थोड़ा लगाऊंगी कलर. सो इस टाइप से आपको जितने भी यू नो लेंथ उसकी कवर करना है, आप उतनी अच्छे से कवर कर दीजिए. और ग्लव ज़रूर पहनिएगा बिकॉज ये बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं. और जब भी अगर आप इससे हाईलाइट भी कर रहे हैं यू नो स्ट्रिप वाइज, तो ध्यान रखिए आपको अपनी स्कैल्प से नहीं लगाना है, आपको सिर्फ अपनी लेंथ पे लगाना है. स्कैल्प से थोड़ा दूर छोड़ के लगाना है आपको,
बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, और इसको अच्छे से लगा लेंगे हम। मैं यहाँ पे अपने यू हैंड से ही इसको स्प्रेड कर दे रही हूँ ताकि वो अच्छे से स्प्रेड हो जाए। और हमारा लग चुका था, और ये लगने के बाद इस तरीके से दिख रहा है, एकदम सूख चुका है बिकॉज उसमें ब्लॉन्डर पाउडर था। दैट्स वाई ये यो पूरा लगने के बाद वो जो डेवलपर था और ब्लॉन्डर पाउडर था वो सूख चुका है। और वॉश कर लिया है, अब हेयर को आपको हल्के से शैम्पू से वॉश करना है, और अभी कंडीशनर नहीं लगाना है, आपको सिर्फ शैम्पू से वॉश करना है। और इस टाइप का ब्लॉन्डिंग इफेक्ट आ गया है हमारे बालों में। एज यू कैन सी बालों का जो कलर है जहाँ जहाँ हमने लगाया था वहाँ का कलर आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा लाइट हो गया है। अब हम इसी पे जो हमें एक्चुअल वाइब्रेंट रेड कलर चाहिए उसके लिए सेकंड स्टेप हम अब स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें हम डालेंगे डेवलपर। ये सेकंड स्टेप उसमें लिखा हुआ आता है कि आपको ये जो पैकेट है ये सेकंड स्टेप का है, इसमें डेवलपर है। हम डेवलपर ले लेते हैं हमारे बाउल में, एंड उसके बाद कलरेंट क्रीम है जो कि वाइब्रेंट रेड कलर में है। इसके बहुत सारे शेड्स आते हैं, आप अमेज़न पे चेक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे वाइब्रेंट रेड मंगाया था, एंड एज यू कैन सी ओ माय गॉड सो रेड, कितना अच्छा कलर है। सो इसको आप पूरा सैशे इसको खाली कर लीजिए, एंड आफ्टर दैट ये दोनों आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए, क्रीम एंड डेवलपर। सो इस टाइप की कंसिस्टेंसी बन जाएगी, अच्छे से मिक्स हो चुका है अब ये। अब हमें अपने इसे बालों में जहाँ जहाँ हमने ब्लॉन्डर फर्स्ट स्टेप लगाया था, जहाँ जहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली डिफरेंस दिख रहा है बालों में, तो वहीं वहीं आपको अब ये वाला मिक्सचर लगाना है। तो वापस से आप अपने बालों को मैंने हाफ हेयर स्कार्फ डू कर दिया है ताकि लगाने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। और वहीं से अब वापस से बाल अच्छे से कॉम कर लीजिएगा, एंड एक एक स्ट्रिप लेके आप उस पर अपना कलर अप्लाई करिए। माय गॉड कितना कितना हैवीली रेड दिख रहा है, एकदम वाइब्रेंट रेड दिख रहा है ये। आई डोंट नो, देखते हैं, लेट्स सी कि इसका वॉश करने के बाद इसका कैसा कलर आता है हेयर्स पे। सो इस तरीके से थोड़ी थोड़ी स्ट्रिप्स लेके आप उसको अच्छे से अप्लाई कर लीजिए हेयर्स में। जो ब्लॉन्डर, ये जो स्टेप वन था ये इसलिए दिया गया था क्योंकि अगर ये डायरेक्ट हमें ये कलर लगाते हैं वाइब्रेंट रेड, तो ब्लैक इंडियन जो हेयर्स होते हैं वो ब्लैक होते हैं, तो उस पर अच्छे से नहीं चढ़ता है। दैट्स वाई ये लोग करना पड़ता है स्टेप वन में, और फिर उसके बाद कलर लगाते हैं। सो ये अभी गीला है, ये अभी वॉश नहीं किया है, पूरे बालों में लग चुका है और इस टाइप से दिख रहा है। एंड अब हम वॉश करते हैं। वाओ, वॉश करने के बाद आप देख सकते हैं इस टाइप से ये कलर आया है, विच इज़ लुकिंग वेरी प्रिटी। और अभी ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट लग रहा है, आप इसके बाद जब एक बार और वॉश करेंगे अराउंड 2-3 डेज के बाद, तो थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, उसके बाद बहुत सुंदर दिखेगा ये कलर। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा डोंट फॉरगेट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। और आपको जो भी वीडियोज़ चाहिए आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड डू शो योर लव बाई सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। बाय बाय।